बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज का स्टूडेंट जो हमारा टॉपिक है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर्डर, कि असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर क्या होता है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। असेंडिंग आर्डर, असेंडिंग आर्डर इन जनरल जो है इसको क्या लिखते हैं, जनरल इसको जो है ना हम ये याद रखने के लिए लिखेंगे जनरल स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। असेंडिंग आर्डर में हमने छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। देखें पहले 1, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा 3, फिर उससे बड़ा 4। इसी तरह जो भी कोई नंबर होंगे, जो भी कोई सीक्वेंस होगी, तो हमने क्या करना है, छोटा नंबर पहले लिखना है, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, और इसी तरतीब में आगे चलते जाना है। जितने नंबर हैं उसको हमने स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जाना है। असेंडिंग आर्डर को हम तरतीब सऊदी भी बोलते हैं उर्दू में, अगर याद हो आपको, तरतीब सऊदी। मिसाल के तौर पर अगर एक सीक्वेंस दी गई है 5, 6, 8, 9, 10, अगर इसको मैं असेंडिंग आर्डर में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, इसको देख लें। यहाँ पे मैंने एक सीक्वेंस लिख दिया, इसको मैंने असेंडिंग आर्डर में लिखना है। असेंडिंग आर्डर मैंने आपको बताया कि स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटे नंबर से हमने बड़े नंबर की तरफ जाना है। तो सबसे छोटा नंबर इस पूरी सीक्वेंस में देखें कौन सा नंबर है, तो देखें ये 1 सबसे छोटा नंबर है। उसके बाद किसका नंबर आता है, 2। अगर 3 है तो लिखते हैं, अगर नहीं है तो फिर 4 चेक करें, ये 4 है। उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7 है, नहीं है, नेक्स्ट नंबर उससे 8, 9 के बाद 8 के बाद 9, और फिर देखें 10, 10 के बाद 11 नहीं है, 11 के बाद कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है, 12 के बाद देखें कोई भी 13, 14, 15 या ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, सिर्फ एक नंबर हमारे पास बचता है, वो है 20। तो ये जो एक सीक्वेंस थी, एक सीक्वेंस में नंबर दिए गए थे, इनको हमने असेंडिंग आर्डर में लिखा। अब एक क्वेश्चन दिया गया है, अरेंज द नंबर्स 45, 35, 30, 50, 60 एंड 55, इसको असेंडिंग आर्डर में लिखना है। तो इसका असेंडिंग आर्डर क्या बनेगा, देखें इसका असेंडिंग आर्डर, सबसे छोटा नंबर पहले इसमें देखें कौन सा है, 30, उसके बाद 35, उसके बाद देखें 45, और उसके बाद 45 के बाद ये 50, और 50 के बाद 55 और 60। ये हमारा असेंडिंग आर्डर हो गया। अब चलते हैं डिसेंडिंग आर्डर की तरफ। व्हाट इज़ द डिसेंडिंग आर्डर, इसको हम उर्दू में तरतीब नज़ूली भी बोलते हैं, तरतीब नज़ूली। जनरल इसको हम लिखते हैं ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ हम जब जाएंगे, तो इसको क्या लिख, ये क्या कौन सा ऑर्डर होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। मिसाल के तौर पर मैं कुछ नंबर लिख दे देता हूँ, 4, 1, 3, 5, 6, 7, 10। तो देखें इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 10। इसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या बनेगा,
टेन के बाद ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? सेवन है। उसके बाद सिक्स है, उसके बाद फाइव है, और फाइव के बाद फोर ग्रेटेस्ट है, फिर थ्री है, और लास्ट में वन है। तो ये एक सीक्वेंस का डिसेंडिंग ऑर्डर है। आगे एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन की तरफ देखें, रेंज दी नंबर्स 70, 60, 80, 100, 120, 250। इसको हमने किस में लिखना है? इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अभी हमने जैसा कि पढ़ा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ जाना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अरेंज दी नंबर 70, 60, 80, 100, 120, 250 एंड 40। इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो देखें, सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा आएगा? सॉल्यूशन देखें इसका, 250। ये देखें, सबसे बड़ा नंबर 250 है। उसके बाद 120, उसके बाद 100, उसके बाद 80, और उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? 70, और उसके बाद 60। इसी क्वेश्चन में देखें, 70 के बाद कौन सा? 60, और फिर 40। अगर इस पर, इस सीक्वेंस पे अगर नज़र दौड़ाएं, तो सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा 100, फिर उससे छोटा 80, फिर 70, फिर 60, और फिर 40। यकीन है आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर समझ आ गया होगा। अब आपको मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूँ एज अ असाइनमेंट, ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। 20, 13, 15, 11, 22, 24। इस सीक्वेंस को आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन देखें, 50, 42, 99, 102 एंड 74। इसको भी आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।